नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक, जेल प्रहरी, इसके साथ ही डिप्टी जेलर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। थोड़ा सा सुन लीजिएगा अच्छे से, वीडियो को आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं, कई विद्यार्थियों के मन में एक डाउट आ रहा है कि सर जो जीएस है, जीएस को हम कैसे तैयार करें। अच्छा, मेरी एक बात बहुत अच्छे ढंग से सुनना और बहुत रियलिटी के बेस पर मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, दो तरीके हो सकते हैं जीएस को तैयार करने के। एक तो ये तरीका हो सकता है कि सर हम जीएस में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ ले जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ये नहीं कह रहा हूं कि वहां से प्रश्न आ ही आएंगे, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और एक ये काम हो सकता है कि सर हम उन सभी टॉपिक को कंप्लीट करें जहां से प्रश्न बनने ही है। अब यहां पर अगर आप बात करते हैं कि सर हम सभी टॉपिक को कंप्लीट करें, तो हमारे पास 27-28 दिन तो एग्जाम को लेकर बचा हुआ है, और 27-28 दिन में जीएस को पढ़ना ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। इतना असंभव कार्य है कि ये समझकर देखिए कि जीएस में पता नहीं आप क्या क्या चीजें पढ़ने लगेंगे। और जीएस का सिलेबस ही बहुत बड़ा है, इसी में आपका पॉलिटी है, इसी में ज्योग्राफी है, इसी में हिस्ट्री है, इसी में करंट अफेयर्स पढ़ना है, ना केवल नेशनल इंटरनेशनल बल्कि आपको एमपी का करंट भी पढ़ना है, इसी में एमपीजी के पढ़ना है, इसी में मिसलेनियस वाला पार्ट जो इन सभी सब्जेक्ट का मिलाकर हम बोल सकते हैं, इसी में आपको पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स। तो लगभग 7 से 8 विषयों का एक समूह हम बोल सकते हैं जिसे हम जीएस कहते हैं। लेकिन बात ये आती है प्यारे साथियों, यहां से 20 प्रश्न पूछे जाने हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, या मैं बात करता हूं क्षेत्र रक्षक, इसके साथ ही डिप्टी जेलर की, तो कहीं भी ऐसा पर्टिकुलर नहीं लिखा है कि 20-20 प्रश्न आएंगे। लेकिन हम इस आधार पर अनुमान लगाते हैं कि यहां पर भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस प्रकार से सिलेबस आपका डिकोड है, इस प्रकार से सिलेबस बटा हुआ है, तो उस आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि 20 प्रश्न ही आपके पूछे जाएंगे। तो सर बात यह आती है कि इस जीएस को तैयार कैसे करें, क्योंकि मैं आपको एक बात बहुत अच्छे ढंग से बता देना चाहता हूं कि अगर आप पटवारी की तरह जीएस छोड़कर चले गए तो आपकी नैया पार नहीं लगेगी। आप उस नदी में इस प्रकार से डूब जाएंगे जैसे मानकर चलिए कि आपने कभी तैरना सीखा ही नहीं। बेसिक से एक मैं बात हमेशा ये करता आया हूँ विद्यार्थियों से, मान लीजिए 80 नंबर पर कट ऑफ जाता है और आपके अगर 79 नंबर है, तो कोई विद्यार्थी जिसके 0 नंबर है और आप 79 हैं, तो समाज की नजर में आपका और उस व्यक्ति का कोई औचित्य नहीं है। औचित्य केवल उसका है जिसने 80 नंबर लाकर, चाहे उसने 2 महीने तैयारी की, चाहे उसने 3 महीने तैयारी की, हर विद्यार्थी की जो प्रतिष्ठा होगी समाज में वो वही व्यक्ति की रहेगी जो इस नंबर को पार करता है। और इस नंबर को पार करने के लिए हमें यह नहीं देखना है कि इस विषय में मेरा इंटरेस्ट कम है, इस विषय में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है तो इसे पढ़ लेता हूं। हमें सभी को इक्वल तरीके से तैयार करना है। और निश्चित तौर पर मानकर चलिए एक 0 वाला विद्यार्थी, एक 79 वाला विद्यार्थी, इसमें अंतर केवल वही कर पाएगा जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, वरना हर व्यक्ति आपको इसी निगाह से देखेगा जिस निगाह से 0 वाले व्यक्ति को देखेगा, इसी से आपको देखेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको तैयारी करना है तो इस तरीके से करिए कि आप सिलेक्शन ले पाए। अगर आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि सर हम तो बीच में कहीं डगमगा जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारी नैया हो सकती है, पार लग सकती है, तो यकीन मानिए आप इस कदर इस एग्जाम में धोखा खाने वाले हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा। हमें इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि हमें जीएस के भी प्रश्न बनने चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 प्रश्न तो हमारे बनने ही चाहिए 20 में से। अब कुछ विद्यार्थी है ना बहुत विद्वान होते, वो कहते हैं कि सर आप पगला तो नहीं गए हैं क्या, जीएस में 15 नंबर लाए जा सकते हैं। देखिए, लाए तो जा सकते हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर आप 12 से 15 नंबर नहीं लाएंगे ना तो आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। आप कितना करेंगे, आप 3 विषय में भी अगर आप 55 नंबर लाते हैं तो यहाँ पर 2 विषय में 25 नंबर लाना होगा, जो कि साइंस और जीएस है। आबकारी में जिस लेवल की साइंस आई है, उस लेवल की साइंस अगर यहाँ पर वन रक्षक, जेल प्रहरी और डिप्टी जेलर में आ जाती है, तो वहां पर तो आप 20 में से 10 नंबर भी नहीं ला पाएंगे अगर आपने उस लेवल की तैयारी नहीं की। तो कहने का मतलब है कि थोड़ी सी आपने जो भ्रांति आपने बिठा रखी है ना मन में, उन भ्रांतियों से बाहर आइए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और मेहनत करने के साथ ही ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमें किन चीजों पर ज्यादा काम करना है, किस पर कम काम करना है। थोड़ा सा मैं जीएस की बात कर लेता हूं, क्योंकि जीएस की बात को लेकर मैं आया हूं, तो कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर आपने पूरी बकवास कर ली लेकिन हमें जीएस के बारे में तो कुछ बताया नहीं, तो थोड़ा सा हम जीएस के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए, जीएस में मेरे ख्याल से अभी मैं जिस प्रकार से क्वेश्चंस देख पा रहा हूँ और जिस प्रकार से क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है, तो आपको कुछ चीजें जो मैं कंपलसरी बता रहा हूँ वो आपको कम से कम करना है। पहला तो ये कि नेशनल है ना,
और इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल करंट, इसके साथ ही एमपी करंट, ये बहुत अच्छे ढंग से आपको तैयार करना है और कम से कम पिछले 6 महीने का आपको तैयार करना है। जिन्हें सिलेक्शन लेना है अच्छे से सुनना होगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट और एमपी का करंट जब आप तैयार करेंगे, इसके साथ ही आपको एमपीजी के पढ़ना है। अब कुछ ये कहेंगे कि सर पटवारी में शुरुआत में एमपीजी के प्रश्न आए लेकिन बाद में नहीं आए, तो एक बात ध्यान रखना, अगर एमपीजी के प्रश्न आते हैं तो संभावना हमेशा ये रहती है कि जीएस के अन्य जो पार्ट्स है, जहां पर पॉलिटी, भारत के संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, यहां से प्रश्न जितने नहीं बन सकते, उससे ज्यादा संभावना रहती है एमपीजी के प्रश्न सही करने की। तो एमपी जीके को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ ही लुसेंट में अगर आपने लास्ट टाइम में मिसलेनियस, जिसे हम विविध वाला पार्ट कहते हैं, उसे अगर देखा है तो उसे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। इतना करने के बाद आपको पॉलिटी के सेगमेंट से कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी है। अगर आप कहते हैं कि सर हमें कम से कम इतना बता दीजिए कि हिस्ट्री में हमें महत्वपूर्ण टॉपिक क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या देखना है, पॉलिटी में क्या देखना है, तो मैं एक उसका वीडियो बना सकता हूं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि सर जीएस में महत्वपूर्ण चीजें आप कवर करा दीजिए, तो मैं लगभग 10-10 15-15 मिनट की क्लासेस ला सकता हूं। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण के लिए हम क्या करेंगे, एक क्लास में हम वन रक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देख लेंगे। संविधान संशोधन है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो जो भी हुए हैं यहाँ पर, उन सभी को हम देख सकते हैं, संविधान संशोधन देख सकते हैं। फिर एक क्लास रहेगी जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आर्टिकल्स है, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं। एक क्लास में हम बात कर सकते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो हमने कुछ ऐसी चीजें डिफाइन करी, कुछ ऐसी चीजों को डिस्क्राइब करेंगे जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। ये तीन टॉपिक से तीन प्रश्न आने की संभावना रहती है, किसी ना किसी शिफ्ट में मिलेंगे। फिर जैसे हम हिस्ट्री में चलते हैं, तो हिस्ट्री में हम मानकर चलते हैं आधुनिक भारत से 2 क्लास ऐसी ले लेंगे 10-10 15-15 या 20-20 मिनट की, जहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे कि गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें, तो गवर्नर जनरल से कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि जैसे उदाहरण से मानकर चलिए कि यहाँ पर हाईकोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, है ना। जैसे कि आप जानते हैं 1772 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जब हम बात करते हैं, जिसे विनियामक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट इसे हम कहते हैं। इस एक्ट से संबंधित भी कुछ प्रश्न आते हैं जो कि हमारा संविधान का हिस्सा है, तो उसे भी हम एक क्लास में हम कंप्लीट कर सकते हैं। ज्योग्राफी की बात करें, तो इसमें जैसे एक वीडियो में हम मध्य प्रदेश और भारत की नदियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, एक वीडियो में हम खनिज से संबंधित चर्चा कर सकते हैं, एक वीडियो हम लाकर यहां पर अभ्यारण की चर्चा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से मुझे लगता है कि लगभग 15 प्रश्न यहां से बनने की पूर्णता संभावना रहती है, अगर आप करंट को उसी में इंक्लूड कर लें, तो उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। तो आपको कमेंट करके ये बात बताना है कि दोनों में से आप क्या चाहते हैं। पहली बात ये कि जीएस को लेकर उन क्वेश्चंस या उन टॉपिक्स को जानना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण है, या जीएस आप पढ़ना ही चाहते हैं कि सर आप तो हमें महत्वपूर्ण, लगभग क्योंकि अभी आपके एग्जाम में 27 से 28 दिन बचे हुए हैं, तो आप 27 से 28 क्लास में जीएस की ऐसी चीजें बता दीजिए जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो इन दोनों में से